तो मैं कराना आज वेदा एकेडमी से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी 9th की प्रिपरेशन को और सॉलिड कर देगा साथ ही साथ अगर आप 11th क्लास में PCB लेने की सोच रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन के लिए भी सोच रहे हैं तो भी ये एज अ बेस का, का काम करेगा तो क्या है ये टॉपिक ये है एनिमल टिश्यूज तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज तो हमारे एनिमल टिश्यूज में आपने इससे पहले अभी तक ये पढ़ा होगा कि जो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है वो कहलाता है सेल अब ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो हमारे मिलके बनाते हैं टिश्यूज और जो टिश्यूज है वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन और ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम जो सेल्स होते हैं ना बच्चों वो यूजुअली एक ही तरीके के होते हैं मेजोरिटी ऑफ द होते हैं कुछ कुछ भी बट एक्सेप्शनिटी ऑफ द सेल्स हमारे एक ही तरीके के होते हैं कि सब में एनिमल सबसे होते हैं ठीक है कि उनमें एक मेम्ब्रेन है एक अंदर उसमें साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म, है, साइटोप्लाज्म है सेल ऑर्गेनेल है कोई खास डिफरेंस नहीं है सारे सेल्स में लेकिन जहां टिश्यू आते हैं वहां थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन हो जाती है हमारे फंक्शंस की थोड़े से ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं फंक्शन में ना और जहाँ और स्पेशलाइज अगर ग्रुप ऑफ वो, वो कहलाते हैं हमारे ऑर्गन ठीक है वो पूरे के पूरे हमारे बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसका एक बेसिक रोल है कि हमारा ये फूड डाइजेस्ट करने में होता है ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका भी एक बेसिक रोल है तो इसीलिए हमें टिश्यूज की टिश्यूज कि कि में क्या चेंज क्या होता है टिश्यूज कौन से कौन से होते हैं और क्या होते हैं जो हमारे हमें और डेवलप्ड बनाते हैं और इनहेंस्ड हमारे फीचर्स करते हैं ठीक है तो आज हम शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू हमारे एनिमल टिश्यूज जो हैं वो बहुत तरीके के होते हैं ठीक है बट मेजरली जो और ये मेजरली जो है हमारे चार क्लासेस में डिवाइडेड है ठीक है जिसमें हमारा फर्स्ट आता है एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यूज अब जैसे आप कार लेते हो तो कार पे कवर चढ़ा के रखते हो ना ये वही कवर का, का काम कर रहा है ठीक है कार हो गया किसी भी चीज का कवर जो होता है ना हम कवर लगाते हैं ये कवरिंग का, का काम कर रहा है ये हमें प्रोटेक्ट अब कवर हम क्यों लगाते हैं कवर हम इसलिए लगाते है हैं ताकि हमें प्रोटेक्शन मिले ठीक है आप बाहर के में एक्सपोज है हमारी बॉडी तो उसको प्रोटेक्ट मिले प्रोटेक्शन मिले वो ऐसे आ, और ये काम करते हैं एज ए बैरियर की तरह ठीक है बैरियर इसलिए कि कुछ भी अंदर बाहर जाना है किसी भी चीज को आप बॉडी से तो ये एज अ पूछेंगे कि भाई तुम्हें क्यों बाहर जाना है क्या तुम्हें क्यों बाहर जाना है तुम्हें क्यों अंदर आना है ये पूछने वाला भी तो कोई होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड है ये हमारे बॉडी के ठीक है तो ये आ, हमारे जो होते हैं ये आप ये पर देखो एग्जैक्टली exactly, एनसीआरटी भी हमारी यही कहती है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर है ठीक है बैरियर की तरह काम करते हैं इसके जो सेल्स अब बैरियर है ऐसा तो नहीं है ना कि सेल्स ऐसे गैप वाइज होंगे गैप होंगे तो बीच में से निकल जाएगा बीच में से वो तो अंदर एंटर कर जाएंगे तो अब बैरियर है तो फिर टाइटली होने चाहिए ना सेल्स इसीलिए इसके सेल्स जो होते हैं वो बहुत टाइटली होते हैं और एक कॉन्टेन्य होते हैं अगर बीच में गैप हो गया इन सेल्स के बीच में ऐसे हो गए तो यहाँ से तो सामान ऐसे अंदर आ जाएगा ना कुछ भी और ये कुछ भी बाहर चला जाएगा तो इसीलिए हमारे ये टाइटली पैक्ड होते हैं शीट होती है और इनको टाइट बनाने के लिए हमारे यहाँ पे ना ये बीच का एरिया जो जैसे मैंने अभी आप आपको दिखाया है यहाँ पे कुछ सीमेंटिंग मटेरियल होता है यहाँ पे भी नीचे भी और ये जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है ना ये किसी भी तरीके का हो एपिथेलियल टिश्यू सब में एक ही तरीके का होता है जैसे हम जो नीचे की तरफ होता है वो कहलाता है बेसमेंट मेमरेन जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हो ये ये हमारे नीचे की लेयर है ना ये सबकी बेस सब में है देखो ये कहलाती है बेसमेंट मेमरेन ठीक है अब जो हम अब हम इसके एग्जाम्पल्स वैसे ओवरऑल ये आपको टाइप्स में भी मिल जाएंगे बट अगर कोई आपसे पूछे तो आपको ये सब भी पता होना अगर कोई आपसे ओवरव्यू की तरह पूछे तो आप ये कि सबसे पहले तो स्किन में ही मिलता है ठीक है किस तरीके का मिलता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी बट सबसे पहला एग्जाम्पल है स्किन ठीक है हाँ, हमारी एलवलाई में भी होता है हमारी सारे ये हमारे ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी पूरी बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है ठीक है तो हमारा फर्स्ट टाइप है सिंपल स्क्वास सिंपल में क्या होता है कि जो होते हैं, वो हमारे है, तो बहुत पतले ही से लेयर बनाते हैं जहां पे भी होता है ये यूजुअली हमारे ईसो और माउथ की लाइनिंग में होते हैं ठीक है ताकि एक्सचेंज इजिली हो जाए ठीक है और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना हो ठीक है और इन,

चोट लग जाती है स्किन पे ना तो ये होता है कि आपके जैसे तो स्किन छिल जाती है ठीक है अगर आपके वो लेयर्स में नहीं होगा ना तो आपके वियर इस, इसके लिए एक वर्ड भी यूज किया गया वियर वियर एंड एंड मतलब जहां पे आप गिर गए हल्की सी चोट आ गई खुज गई स्किन तो उसमें कौन हेल्प करेगा उसमें आपको प्रिवेंट कौन करेगा तो वो करेगा उससे प्रिवेंट करने के लिए ये लेयर्स में इसलिए मिलती है लेयर्स में ठीक है इसका एग्जाम्पल है स्किन अब हमारे आते हैं नेक्स्ट टाइप क्यूबॉइडन है होता है कि हमारे सेल्स ऐसे क्यूब लाइक -like होते न्यूक्लियस हमारा बीच में है ठीक है और ये जैसे और स्पेशलाइज हो गए हमारे सेल्स ठीक है तो इनका काम और बढ़ गया और इन्होंने और स्ट्रॉन्ग हो गए सेल्स जब और प्रॉपर शेप आने लगी तो एक मैकेनिकल सपोर्ट देने लगे हमें तो इसीलिए ये हमारे मैकेनिकल सपोर्ट देने में काम आते हैं और इसका एग्जाम्पल्स है जैसे हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स सलाइवरी ग्लैंड का ट्यूब्यूलैंड ठीक है और कई बार क्या होता है ये हमारे क्यूब क्यूब लाइक सेल्स होते हैं ना इनमें जैसे ऊपर लेयर है ये ऐसे इन्वर्ट फोल्ड हो गए इन्वर्ट फोल्ड हो गए तो यहाँ पे एक बीच में एक कैविटी टाइप बन गई अब इस कैविटी में आपकी कोई भी तरीके का सीक्रेशन वहां रह सकता है और जब भी उसकी नीड होगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे हमारा स्वेट होता है ठीक है अब वो उस ग्लैंड में हमारा स्वेट इकट्ठा है ठीक है अब वो स्वेट है तो वो कैसे भी जब जब उसकी नीड होगी जब जैसे टेम्परेचर हमारा हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो अपने आप को बाहर निकालेगा तो ऐसे जब ये स्पेशलाइज हो जाते हैं इनवर्ट uh, होके फोल्ड uh, होके तो ये बनाते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम ग्लैंड टाइप जैसे हमारा स्वेट ग्लैंड हो गया या जिस जिससे हमारा स्वेट निकलता है या ग्लैंड होता है हमारा सीबम निकलता है ठीक है तो ये एपिथीलियम के एग्जाम्पल है अब हमारा आता है कॉलोमिनार मतलब जब आपके सेल है क्यूब क्यूब लाइक की बट लंबे हो गए इलांगेटेड हो गए जैसे कि यहाँ पे हमारा सेल दिख रहा है ना ये लंबा हो गया इलोंगेट हो गया

इनका न्यूक्लियस हमेशा बच्चों नीचे ही होता है नीचे की तरफ होता है इसमें आ गए सीलिया ऐसे पूरा और होंगे इसमें आ गए सीलिया अब सीलिया का काम क्या है सीलिया हमारा बढ़ाता है सरफेस एरिया और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है तो जैसे ही अब्जॉर्प्शन हमारा बढ़ जाएगा तो सीक्रेशन भी बढ़ेगा अब्जॉर्ब भी कर लेगा तो सीक्रेशन भी बढ़ेगा तो इसका रोल दोनों में है कि अब्जॉर्ब भी करेगा सिक्रीट भी करेगा वहीं अगर सीलिया आ गया तो वो और अच्छे से करेगा तो सीलिए और सीलिया वाली हम कॉलमिनार को कहते हैं सीलिएटेड कॉलमिनार एपीथीलियर और इसका एग्जाम्पल है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्योंकि अब ये एयर आ रही है तो एयर को अब्सॉर्ब भी तो करना है ना तो उसमें हमारा मेनली काम करेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम आते हैं नेक्स्ट उस उसपे नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू हमारे कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ना उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा देखो ऐसे होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू ठीक है ये जैसे एक पूरा पोर्शन है इसमें हमारे ये मैट्रिक्स होता है इसमें हमारे बहुत सारे फाइबर्स होते हैं अलग अलग तरीके के ठीक है वो फाइबर्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं किसी में वो ज्यादा होते हैं किसी में वो कम होते हैं उस अकॉर्डिंग हमारा इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स का जो फाइबर्स है वो किस क्वांटिटी में है उस अकॉर्डिंग ये हमारे डिवाइड हो जाते हैं कुछ तरीके से जैसे हमारा फ्लूइड हो गया डेंस हो गया रिजिड हो गया ठीक है इसके नेचर अलग अलग हो जाते हैं

ये जो है इस प्लाज्मा में हमारे कई सारे सॉल्ट मिलते हैं हमारे सोडियम के कैल्शियम के वही हमारे हार्मोन्स मिलते हैं क्योंकि हॉर्मोन जो सीक्रेट होते हैं वो डकलेस ग्लैंड्स होते हैं हमारे आरबीसी मिलती हैं डब्ल्यू मिलती हैं ठीक है आरबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स ठीक है ये ये तीन हमारे सेल है ये है इंपॉर्टेंट याद रखना अब ब्लड का क्या फंक्शन है ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट में काम करता है हमारे ऑक्सीजन uh, गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हमारे खाने के ट्रांसपोर्ट जो हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया उसके ट्रांसपोर्ट में हमारे हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्ट में तो मेनली काम क्या है उसका ट्रांसपोर्ट अब हमारा दूसरा आता है बोन बोन जो है वो हमारा एक पूरा एंडोस्केलेटन बना रहा है हमारा फ्रेमवर्क बना रहा है जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग हार्ड स्ट्रक्चर की तरह खड़ी है ठीक है आपका जो स्केलेटन सिस्टम होता है आप देखते हो ना जो भूतों की तरह दिखता है जो हॉरर मूवीज़ में आपको डराने के लिए यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डरने वाली चीज नहीं है ठीक है तो वो हमारी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ठीक है हमारी मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आगे चल के भी मैं आपको भी और कैल्शियम और फॉस्फोरस से ठीक है सी ए सी पीओ थ्री से अब हमारे आते हैं लिगामेंट्स अब कनेक्टिव टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू ना हमारे एक पोर्स हमारे अलग अलग टिश्यूज को भी आपस में कनेक्ट करता है जैसे मसल से भी या एपिथेलियल को खुद कनेक्टिव से भी है ना और आपस में भी कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट जो होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट जो होते हैं वो इन्हीं से होते हैं पूरा काम ही कनेक्ट करने का इनका काम जैसे नाम है ठीक है तो जो हमारी बोन को बोन से कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट और जो हम और इसमें क्या होता है लिगामेंट जो होता है ना उसमें बहुत ज्यादा इलास्टिक सिटी होती है और मतलब बहुत ही कम है, bone से bone, वो bone, इसकी stress, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है टेंडन में क्योंकि मसल फ्लेक्सिबल होता है तो थोड़ा सा नेचर उसका भी आता है इसमें लेकिन एक लिमिटेड होती है फिर हमारा आता है कार्टिलेज अब हमारी कार्टेज uh, क्या होता है कुछ जगह पे हमें बोन मतलब एक सॉलिड थो चाहिए पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए जैसे हमारा ईयर हो गया ठीक है ईयर आपका बेंड हो रहा है ना तो ये ईयर में फ्लेक्सिबिलिटी हमारा नोज हो गया आपके एनसीआरटी में एग्जाम्पल है हाइलिन कार्टिलेज का हाइलिन कार्टिलेज का। का जो होता है ना वो हमारा यहाँ का कार्टिलेज जो होता है नोज पे जो ऊपर का आप बेंडिंग देख रहे हो आप बेंड कर सकते हो अपनी नोज टच करके देखो तो उसमें जो होता है हमारा हमारा ग्लास लाइक -like, वो एक स्पेसिफिक कार्टिलेज है जिसको हम कहते हैं ग्लास लाइक -like कार्टिलेज जिसका नाम है हाइलिन कार्टिलेज हमारा एनसीआर में आपके डायग्राम दे रखा है और वो जो होता है वो मोस्टली हमारे जो कार्टिलेज होते हैं वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक हार्ट स्ट्रक्चर भी होता है लेकिन शुगर और प्रोटीन का बना होता है और इसका जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई दिए नोज ईयर ट्रैकिया एंड लैंग्स ठीक है अब हमारे आते हैं एरियोलर टिश्यू हमारे एपिथीलियल जो हमारा फ्रेमवर्क की तरह आ, ना हमारी बॉडी के बाहर की तरफ सबको प्रोटेक्ट कर रहा है अब उसको बॉडी से भी तो कनेक्ट करना है तो बॉडी से कनेक्ट कौन करेगा एरियोलर टिश्यू उसके नीचे जस्ट होता है स्किन के नीचे या कहीं ऑर्गन्स के नीचे और उसे बाकी चीजों उसको ब्लड का सप्लाई उसको उन सब बाकी चीजें जो हैं न्यूट्रिएंट्स देने है, वो सब वो सब काम हमारा कौन कर रहा है एरियोलर टिश्यू स्किन और मसल के बीच में ठीक है हमारा एरियोलर टिश्यू इनसाइड साइड ऑर्गन जो है सपोर्ट कर रहा है रिपेयर में भी हेल्प कर रहा है अब जैसे कहीं के ब्लड सेल्स डैमेज हो गए तो उसमें भी वो रिपेयर करेगा उधर और टिश्यूज को और ब्लड uh, के सप्लाई को उधर बढ़वाएगा कि भाई बढ़ाओ और उधर कर रिपेयर करो ठीक अब एडिपोस टिश्यू एडिपोस टिश्यू हमारे स्टोरिंग सेल्स होते हैं। इनका काम हमारा क्या है आप अब कई लोग कहते हैं कि मैम फैट तो अच्छी चीज नहीं है पक्का बिल्कुल फैट अच्छी चीज नहीं है एक लिमिट से ज्यादा फैट अच्छी चीज नहीं है बट हाँ थोड़ा फैट होना भी जरूरी है क्योंकि फैट जो है वो हमारा एज एन इंसुलेटर का काम कर रहा है ठीक है यहाँ हमारा फैट जो है एज एन इन इंसुलेटर का काम कर रहा है इंसुलेटर क्या होता है आप गिर गए तो आपका जो जर्क लगा है जस्ट शॉक ऑब्जॉर्बर जो है तो वो उसका काम करेगा वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बचा के रखेगा उसमें इंजरी नहीं करने देगा तो इसीलिए हमारे एडिपोस होना भी बहुत जरूरी है अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं हमारे नेक्स्ट टिश्यूज हैं सबसे पहले मस मस्कुलर टिश्यू और दूसरा नर्वस न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू ठीक है अब हमारे मसल मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं उनका मेन यूनिट जो होता है वो होता है मसल फाइबर मैं आपको बताती हूँ मसल फाइबर कैसे होता है ऐसे हमारा पूरा मसल होती है इसमें ऐसे ऐसे ये हमारे मसल फाइबर्स होते हैं ऐसे बंडल की तरह होते हैं ठीक है थीके? बंडल की तरह होते हैं अब इनका काम क्या है और ये बने किससे होते हैं ये हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं दो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है जैसे कि एक्टिन और मायोसिन आप आगे शायद पढ़ो ठीक है इन आ, जो ये होते, है, इन में होते हैं इनमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है आगे चल के जैसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब भी आपका मूवमेंट होगा ना इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा ऐसे तो उससे हमारा मूवमेंट मसल का पॉसिबल हो रहा है अब हमारी तीन तरीके की मसल्स होती हैं एक होती है स्केलेटल मसल एक होती है स्मूथ मसल एक होती है कार्डिक मसल हमारी स्केलेटल मसल जो है जितने भी हमारे बोन्स हैं उन सबको जो मसल कनेक्ट कर रही हैं जिससे हम अपने और ये होती है वॉलेंट्री मतलब हम अब बोन्स का मूवमेंट है हमारे कंट्रोल में है हम कभी भी कर, जब चाहे कर सकते हैं जब चाहे ना करना चाहे नहीं कर सकते है ना तो ये हमारी वॉलेंट्री होती है स्ट्रेटेड इनका नाम इसलिए है क्योंकि इनमें ना ऐसे

है वो यूरेटर है आपका ये यूट्रस भी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जितने भी ऑर्गन आपकी आंखें ब्लिंक कर रही है ठीक है आपके अम्मकाइज में आपका जो फंक्शन हो रहा है वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है हम नहीं डिसाइड कर सकते कब हमें सांस लेनी चाहिए कब हमें नहीं लेनी चाहिए कब हमारा ब्लड फंक्शन ब्लड पंप होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो वो ब्लड का तो खैर आपको कार्डिक बताएगा बट uh, जो हमारा मतलब कुछ काफी फंक्शन जो है हमारी आंखें हमारे कंट्रोल में नहीं है हम कभी भी ब्लिंक कर रहे हैं ठीक है तो वो uh, जो है हमारा कंट्रोल जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन ब्लड वेसल्स आयरस यूरेटर ये इनवॉलेंट्री है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है इसीलिए ये इनवॉलेंट्री कहलाता है ठीक है अब ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये पॉइंटेड है ठीक है ये ऐसे होते हैं पॉइंटेड होते हैं ठीक है पॉइंटेड होते हैं ये ब्रांच भी होते हैं एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होते हैं ठीक है और इनके बीच में एक ही न्यूक्लियस होता है इसलिए और इसीलिए हमारे कार्डिक मसल आते हैं कार्डिक है, हमारी हार्ट की मसल होती है ये भी इनवॉलेंट्री होती है इसका काम यह है कि हमें रोकना की मैं आ, हमें मतलब आ, हमारे हार्ट को प्रॉपरली बीट कराते रहना कॉन्ट्रेक्शन करते रहना अगर ये जिस दिन काम करना बंद कर देगी ना उस दिन आप गए ठीक है ये सिलेंड्रिकल होती है इसी की तरह स्ट्रक्चर में लेकिन वो ब्रांच होती है ठीक है ठीक है, में एक ही सेल होते है हम आते हैं, आपको कोई भी जैसे आप कुछ गर्म टच किया अब आपको कैसे पता है कि हाथ हटाना है यहाँ से जब भी आपने कुछ गर्म टच किया आपका तुरंत मैसेज ब्रेन तक गया अब ब्रेन तक मैसेज कौन ले जा रहा है ब्रेन तक मैसेज ले जा रहे हैं हमारे न्यूरल टिश्यूज अब न्यूरल टिश्यू में हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स ठीक है इसे इस डायग्राम को हम कहते हैं न्यूरॉन ठीक है neuron. अब न्यूरॉन जो होते हैं हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स तीनों इससे ही बनी होती हैं इसके स्ट्रक्चर में आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं ठीक है ये हमारी पूरी सेल की बॉडी है मेन ये न्यूक्लियस है यहाँ पे हमारा डेंड्राइड है ठीक है ये हमारा पूरी लंबी सी जो टेल है ये इसकी एक्सॉन कहलाती है अब इनका काम क्या होता है इनका काम होता है नर्व नर्वल्स जैसे ही आपने कुछ टच किया तो वो मैसेज तुरंत आपके ब्रेन तक जाना चाहिए ब्रेन तक जाने के लिए यहाँ पे नर्व होगा जैसे ये ना बहुत सारी होती है आगे कनेक्ट कनेक्ट ये आगे भी कनेक्ट होती है, आगे भी होती और ज्यादा होती है मैं अभी आपको जल्दी से डायग्राम एक ऐसा ही बना के दिखा रही हूँ ठीक है यहाँ पे ये इनसे कनेक्ट होती है ये इसका एग्जाम इसके डेंड्राइट से कनेक्ट होगा तो यहाँ से ऐसे नर्व इम्पल्स ट्रैवल करेगी ठीक है तो ये ऐसे नर्व इम्पल्स में आपके हेल्प करते हैं यहाँ लेकर ट्रांसमिट और ये एक मीटर लंबे भी हो सकते हैं अलग अलग साइज के वेरी करते हैं और इनका इसका और मसल का कॉम्बिनेशन सारे एनिमल्स में बहुत जरूरी है तभी हमारा कोऑर्डिनेटेड वर्क हो पाएगा आई होप आपको ये चा, जो एनिमल टिश्यू का पोर्शन है ये बहुत अच्छे से समझ आया हो आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में भी बता सकते हैं आप चाहे तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा आप चाहो तो उस पर पूछ सकते हैं हमसे और हाँ अगर आपको ये फ्लो चार्ट चाहिए हो तो प्लीज आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप मैसेज कर दीजिए कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसमें मिल जाएगा चलिए थैंक यू